दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2021 में लॉन्च हुए कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि अभी हाल फिलहाल में आए हैं और मार्केट में काफी ज्यादा धूम मचा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस स्पेशल सीरीज की जो कि 2021 में आपके लिए लाई गई है, और अगर आप देखना चाहते हैं कुछ ऐसे ही दमदार और गैजेट तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज की इस गैजेट के साथ। नंबर 8, ज़ेनबुक प्रो डुओ 15। अगर आप सोच रहे हो एक हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप परचेज करने की, तो ASUS की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों इसकी खास बात मेरे को ये पसंद आई है कि यहाँ पर आपको डुअल परफॉर्मेंस दे रखी है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप प्रोफेशनल कामों में तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये गेमिंग के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको डबल स्क्रीन का सपोर्ट भी दे रखा होता है, जिसमें कीपैड की ऊपर की तरफ की जो डिस्प्ले रहती है उसका इस्तेमाल आप इसे कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही उस टच स्क्रीन डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रोल पैनल्स दिखाई देंगे। ये i9 प्रोसेसर पर काम करता है जो कि विंडोज पर बेस्ड रहेगा। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गेमिंग लैपटॉप जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कराने वाला है। तो अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 7, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। सैमसंग गैलेक्सी हमेशा से कुछ न कुछ अपनी सीरीज में कमाल करके दिखाता है, और हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है गैलेक्सी S21, और इस फोन में आपको जो फीचर्स देखने को मिले हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। कमाल की चीज यहाँ पर इसके कैमरा में देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही अदर कैमराज यहाँ पर 12+10+10 मेगापिक्सल के रहेंगे, और यहाँ पर 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिल गया है। इसमें इनबिल्ट होती है हाई परफॉर्मेंस गेमिंग चिप जो कि सैमसंग की तरफ से खुद की ही एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर रहता है। साथ ही 12GB के रैम के सपोर्ट के साथ आता है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और भी स्मूथ बनाएगा। तो अगर आप ये एक लेटेस्ट गेमिंग फोन चाहते हो वो भी सैमसंग की तरफ से, तो S21 अल्ट्रा आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 6, कैरोस। दोस्तों अगर आप अपने बाथरूम को थोड़ा सा एडवांस और हाईटेक बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के मिरर को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा स्मार्ट मिरर होता है जिसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा कैमरा लगा रहेगा। ये कैमरा आपके फेस को डिटेक्ट करता है, जिसके बाद ये आपके फेस के हिसाब से आपको अलग अलग ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा, यानी कि किस तरीके का मेकअप आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर स्किन में अगर कोई स्पॉट वगैरह है तो ये उनको भी डिटेक्ट करके उनके लिए परफेक्ट सोल्यूशन आपको बताता है। इसमें एक इनबिल्ट डिस्प्ले भी रहती है जिसमें कि आप अलग अलग तरीके वीडियोस एंजॉय कर पाएंगे, जहां पर आपको अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट दिखाता है। वहीं दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप अपनी बाथरूम डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट वाईफाई कनेक्टिविटी के ऑप्शंस दे रखे होते हैं जो कि वॉइस कमांड से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो कमाल का और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होता है ये मिरर जो कि आपकी बाथरूम को काफी हद तक हाईटेक बना देगा। नंबर 5, टूलबॉक्स अल्टीमेट कंट्रोलर्स। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पे काफी सारे प्रोफेशनल वर्क करते हैं जैसे कि फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो ये गैजेट काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करके आप अपने सॉफ्टवेयर को और भी बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा कंट्रोल पैनल होता है जहां पर आपको अलग अलग नॉब दे रखी होती है, और साथ ही नेविगेशन कीज दे रखी होती है, जिनका इस्तेमाल करके आप एडोबी के काफी सारे सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जहां पर अलग अलग बटन्स अलग अलग फीचर्स अवेलेबल कराएंगी सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि एडिटिंग करने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिससे कि उनका काम और भी तेजी से हो सकेगा। नंबर 4, एडीबॉट UVC डिसइंफेक्शन रोबोटिक सिस्टम। दोस्तों साफ सफाई काफी ज्यादा जरूरी होती है, और हॉस्पिटल्स वगैरह में तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि ऐसे में अगर आप जरा सी लापरवाही करते हैं तो आपको लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में यूवी सैनिटाइजेशन को आजकल प्रायोरिटी दी जा रही है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल भी किया जाता है। ये गैजेट भी एक तरीके से यूवी डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ रोबोटिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस गैजेट को आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार इसमें आप सेट कर देते हैं कि किस तरीके से इसे रूम में चक्कर लगाना है, जिसके बाद ये रूम में टहल टहल कर खुद ही यूवी सैनिटाइज उस जगह को कर देगा। साथ ही इसका इस्तेमाल घरों में भी किया जा सकता है, लेकिन काफी एडवांस गैजेट होता है और हॉस्पिटल वगैरह में इसकी जरूरत काफी ज्यादा रहती है। तो इस तरीके के मॉडर्न और हाईटेक गैजेट अस्पताल में काफी प्रेफर किए जाने लगे हैं आजकल। तो अगर आपको ये गैजेट पसंद आया हो तो फटाफट दोस्तों इसे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। नंबर 3, शॉवर पावर।
दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन काफी ज्यादा मजा आएगा इसके बारे में जानकर आपको भी। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा स्पीकर होता है जिसे कि आपको ये बाथरूम शावर में अटैच कर दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बाथरूम में स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ी, और पड़ी भी तो इसे शावर में क्यों अटैच कर दिया गया। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा स्पीकर होता है जो कि शावर में जो पानी आता है उसके फ्लो से अपने आप को चार्ज कर लेता है। इसमें एक छोटा सा एनर्जी जनरेटर लगा होता है जो कि पानी के फ्लो के हिसाब से ही एनर्जी को जनरेट करके इसकी बैटरी को चार्ज कर देता है, जिससे कि आप 10 घंटे तक म्यूजिक सुन सकते हैं। तो काफी अलग तरीके का ये गैजेट होता है जो कि मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा है। और साथ ही दोस्तों ये 100% रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। कंपनी का ऐसा कहना है कि एक स्पीकर को बनाने के लिए लगभग 15 ऐसी ओशन में पाई जाने वाली बॉटल्स को इस्तेमाल किया गया है जो कि एवं लोग फेंक देते हैं। तो कमाल के लगे हैं मेरे को ये स्पीकर। अगर आपको भी पसंद आए हो तो कमेंट करके इन स्पीकर्स के बारे में अपनी राय हमको जरूर से बताइएगा। नंबर 2, ZenBeam पोर्टेबल LED प्रोजेक्टर। दोस्तों स्मार्ट स्पीकर्स तो आपने देखे भी होंगे और हो सकता है इस्तेमाल भी किए हों, लेकिन जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि 2021 में हमें स्मार्ट प्रोजेक्टर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके फीचर्स कुछ स्मार्ट स्पीकर से मिलते जुलते रहेंगे। दरअसल दोस्तों असूस की तरफ से आने वाला ये ZenBeam एक तरीके के स्मार्ट स्पीकर ही होते हैं, लेकिन इसमें प्रोजेक्टर का फीचर अलग से आपको दे रखा होता है। इसका इस्तेमाल नॉर्मली आप म्यूजिक लिसनिंग के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड बैटरी भी दे रखी होती है जिनसे कि आप इन स्पीकर्स को चार्ज करके इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन जब बात इसके प्रोजेक्टर की आती है यहाँ पर आपको स्मार्ट प्रोजेक्टर के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कराकर काफी सारे मूवीज और गेम वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही हाईटेक फीचर के साथ लैस होता है ये स्पीकर, जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा फ्यूचर हो। नंबर 1, एयरको कॉफी ग्राइंडर। दोस्तों जो लोग कॉफी के शौकीन हैं उनके लिए ये गैजेट काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि जो लोग कॉफी के बीज इस्तेमाल करते हैं कॉफी बनाने के लिए तो उसको पहले पीसना पड़ता है, जिसके लिए ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ग्राइंडर काफी सारे आते हैं जिन्हें कि आप मैन्युअली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभी उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि कॉफी सही तरीके से पीसती नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा मिनी गैजेट जिसका इस्तेमाल आप कॉफी को पीसने में कर सकें, तो ये गैजेट इस काम में बेहद कमाल का रहेगा। इसमें ऊपर की तरफ से आपको कॉफी के बीज डालने हैं और आसानी से आपको नीचे की तरफ से पाउडर मिल जाएगा। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जिसका इस्तेमाल आप कॉफी पाउडर बनाने में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये गैजेट पसंद आया हो तो फटाफट दोस्तों इसे एक लाइक दे दीजिएगा, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट कौन सा लगा है। साथ ही दोस्तों अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।